गई थी हिमाचल में 2017 में 48.8, 48.8, 2012 में 38.5, 2007 में 43.8 और 2003 में 35.4. तो पिछली बार से भूल गए, आप एक बात भूल गए जी, आप बताइए कौन सी बात आप भूल गए। मैं 44 सीट, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं इसमें जी, क्योंकि नहीं 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 एक बात आप ऐड करना भूल गए, वो ये है कि जितने हमारे दर्शक ये नंबर देखे, करीब 45% वोट आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, मगर 2019 में अभिषेक बीजेपी को करीब 70% वोट हिमाचल में मिले थे। 70% बहुत बड़ी बात होती है, और कांग्रेस पार्टी की वोट शेयर 2019 के आम चुनावों में सिर्फ 27.5% वोट उनकी थी और एक भी सीट उनको हिमाचल से नहीं मिली थी। तो जो बात पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी सेठी साहब आप कह रहे हैं एमसीडी, एक मिनट सुनिए, अब सुनिए तो बोलिए, अब आप पूरी कर चुके, फिर आप जवाब दे, एमसीडी आप कह रहे हैं देश का हेडक्वार्टर है, केजरीवाल एमसीडी, केजरीवाल एमसीडी में ज्यादा रैली कर रहे थे या गुजरात में, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे, देश का जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली है पूरा, अभी आपने कहा एमसीडी, नई बात बताई, आपने बड़ी नई बात बताई, और पूरा देश पूरे देश पुष्पेन जी हो गए सुचरिता, और जितने भी राजनीतिक रतन शारदा जी जुड़ गए हमारे साथ, रतन शारदा जी जुड़ गए हमारे साथ, दिल्ली हेडक्वार्टर है तो दिल्ली से चीजें तय होंगी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, गुजरात चले जाते वो मोदी जी से ज्यादा रैलियां कर लेते, रतन शारदा जी रैली नहीं करनी है, रैलियां आप मोदी जी से ज्यादा कर लीजिए, राहुल गांधी नहीं जाते, नरेंद्र मोदी गुजरात जाते, तो ये इसको मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है, आप उनसे 20 हो जाइए, आपको रोका किसने, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, अभी कोई ना कोई तो मुद्दा बनाएंगे, अभी आपके पास कहने को कुछ नहीं है, उन्होंने पंजाब उनको मिला 6 महीने, उसको इतना बुरी तरह खड्डे में डाल दिया, उनका मॉडल कब तक चलेगा ये सोचने की बात है, पंजाब के जो हालात है इस समय, जिस प्रकार से वहाँ खालिद सैनिक को चैन मिल रही है, जिससे दिन रात खून और लूटपाट चल रही है, वो पंजाब की सरकार अगर इनका आइडियल मॉडल है तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भविष्य है, अगर आपके पास भविष्य होता तो सरकार चलाते पंजाब यहाँ गुजरात में बड़ी बड़ी बातें ना करते, आपका मॉडल है बहुत ओवर है, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी वाला, और सच तो उसको बेस तो होना पड़ता है ना, गुजरात के अंदर मोदी जी की जो प्यार मोदी जी को मिलता है केवल इसलिए नहीं मिलता कि मोदी जी ने मार्केटिंग की है, मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी ने 23 साल बहुत सॉलिड काम किया है, गुजरात को मैं 1972 से जानता हूँ, मेरा वहाँ घर है, और जो गुजरात को बदलते हुए मैंने देखा है ये हमारे आंखों के सामने है, ये लोग भी देखते हैं, ठीक है आज की पीढ़ी नहीं देखा, पुरानी तो देखते हैं, अब दिल्ली में अगर जीतेंगे रेवड़ी के बल पर, वो रेवड़ी के बल में बाकी जगह तो नहीं, सरकार चलानी है, आप सरकार को कर्जे में डुबाएंगे आप।